नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी मैं लेके आया दोस्तों। दोस्तों क्या जानते हैं फलों के छिलके सहित खाने के लाभ? अगर नहीं जानते तो पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए। ज़्यादातर लोग फलों को छिलका शायद खाना पसंद नहीं करते हैं। कई फल ऐसे होते हैं जिनके छिलके में काफ़ी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि अंगूर, सेब, अमरूद, आड़ू, बेर। इन फलों को छील कर लोग खाना पसंद करते हैं, कभी कभी इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। दोस्तों क्या रहता है, फ़र्क ही पड़ता है इन फलों को कि गलत बात। जैसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि फलों को छिलके खाना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत से गंदे हाथ लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन कभी कभार फलों को छिलके खाने के बहुत फायदे रहते हैं। कभी कभार उन छिलकों को फेंकना भी नहीं चाहिए, मतलब उन फलों के छिलकों को सही खाना चाहिए, तभी आपको ढेर सारे फायदे प्राप्त होंगे। कई लोग सोचते हैं कि फलों के छिलके मिट्टी में लिपटे हुए होते हैं, ऐसे में उन छिलकों खाना बेहतर होता है, जबकि हकीकत है कि फलकों के छिलकों में पोषण ज़्यादा मात्रा में होता है। एक रिसर्च के अनुसार अमरूद के ऊपरी भाग यानी उसके छिलके में कोलेस्ट्रॉल कम करने की शक्ति होती है, साथ ही कैंसर को ख़त्म करने की ताकत भी होती है। एक रिसर्च में बताया गया कि संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में मोनोटोरपिजिन नामक कॉइल होता है, जो तेल में पेट और फेफड़ों को कैंसर से बचाता है। कुछ फलों के छिलकों में फल के गुर्दे के मुकाबले ज़्यादा पावर होती है, यानी कि फल का छिलका फल के मुकाबले बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फलों का छिलका हमेशा अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। देखिए जानते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला होता है फलों में फाइबर। फलों के छिलकों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिन फलों के छिलके खाने लायक हो तो ज़रूर खाना चाहिए। फाइबर यानी ज़्यादा मिलने वाले पेट को कब्ज़ से दूर करने के लिए, जिसके लिए आपको सेब के छिलके सहित खाना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने की ताकत होती है, साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी कम करता है। आड़ू का फल अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, जिसके छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को सूजन को कम करता है और आपको ताकत देता है। इसके अलावा रंग बिरंगे फलों के छिलके खाने से शरीर में फाइटोकेमिकल आसानी से मिल जाता है। फाइटोकेमिकल होता है जो आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों को रोशनी देता है और बालों को फायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ आपके दिल को अच्छा काम करने की मदद करता है, इसलिए फलों के छिलके खाना चाहिए। अल्जाइमर के मरीजों के लिए डाइट में कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो जरूर शामिल करना चाहिए, उनको बहुत ताकत देते हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाते हैं, जैसे कि अंगूर। हार्ट पेशेंट और कैंसर के रोगों के लिए उतना ही फायदेमंद होता है दोस्तों। उसके अलावा वजन कम करने के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। जो लोग मोटापे से पीड़ित थे और वजन घटाना चाहते थे, तो फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ कि मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स के छिलके सहित खाना चाहिए। एक तो छिलके में फाइबर की ज़्यादा मात्रा होती है और उसमें कैलोरी भी कम होता है। कुछ फल्स में बताया गया है कि अस्थमा बचाने के लिए काम करते हैं और कुछ मिनरल्स और विटामिन का भंडार होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। स्किन को चमकदार बनाने के लिए और चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए फ्री रेडिकल सेल से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। फलों के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सेब, अमरूद, नाशपाती, बेर, अंगूर जैसे फलों का छिलकों नहीं फेंकना चाहिए, छिलके सहित खाना चाहिए दोस्तों। इसके फायदे बहुत सारे हैं, एक बार उपयोग जरूर करके देखें और कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदे मिलेंगे। इसी आशय के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।